जैव विविधता के लिहाज से भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है। यहाँ हिम तेंदुए से लेकर बाघ, हाथी, कस्तूरी मृग, मोनाल समेत कई दुर्लभ और सामान्य वन्य जीवों की मौजूदगी है। वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए हर वर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना, संवेदनशील होना और इनके संरक्षण में अपना योगदान देना है, क्योंकि पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम के संतुलन में वन्य जीवों का विशेष महत्व होता है। वन्य जीवों का संरक्षण हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। इस वर्ष वन्य जीव सप्ताह की थीम मानव वन्य जीव सह अस्तित्व रखी गई है। देहरादून समेत पूरे राज्य में वन्य जीव सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पूरे सप्ताह आम जन के बीच वन्य जीवों के महत्व को समझने, वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े विशेष प्रयास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में प्रतिष्ठित भारतीय वन्य जीव संस्थान WII ने 5 और 6 अक्टूबर को वार्षिक शोध संगोष्ठी आयोजित की। संस्थान के निदेशक वीरेंद्र आर तिवारी की अगुवाई में 2 दिवसीय संगोष्ठी में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में चुनौतियों, नए संकल्पों और आधुनिक शोध पर चर्चा की गई। WII हर वर्ष वन्य जीव सप्ताह के तहत ये आयोजन करता है। कार्यक्रम में वन महानिदेशक और केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव जितेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ अतिरिक्त वन महानिदेशक वन्यजीव और वन्यजीव संरक्षण निदेशक सुशील कुमार अवस्थी, ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव IFS डॉ. राजेश गोपाल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सेमिनार में देश के अन्य राज्यों से भी वन अधिकारी, शोधार्थी, वन्य जीव संस्थानों के विद्यार्थी और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे लोग शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। WII के निदेशक वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की वार्षिक शोध संगोष्ठी में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को एक मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की थीम को लेकर ADG फॉरेस्ट सुशील अवस्थी ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। देश में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट चीता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके सफल नतीजे हासिल हुए हैं। वर्ष 2010 में देश में 1700 बाघ थे तो 2023 की गणना में बाघों की संख्या तकरीबन 3682 हो गई। देश में स्नो लैपर्स यानी हिम तेंदुए की गणना में इनकी आबादी 718 पाई गई है, जो संरक्षण से जुड़े प्रयासों का नतीजा है। वन्य जीव संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र और प्राकृतिक आवास को विकसित किया जा रहा है। प्रगति मूलम प्रकृति यानी विकास की जड़ या मुख्य आधार प्रकृति है, इसीलिए प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। वन महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने इस विचार का महत्व समझाया और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ भारत की वन्य जीव विरासत, माई स्टैंप और राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह समारोह के लिए विशेष डाक कवर का विमोचन किया गया। विकास के दौर में कई वन्य जीव खतरे की जद में आ गए हैं।
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव सप्ताह के तहत जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि देश में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टाइगर रिजर्व, वेटलैंड समेत संरक्षित क्षेत्रों का दायरा देश में बढ़ा है। ये जो वाइल्ड लाइफ वीक हम लोग हर हफ्ते गांधी जी की जयंती से प्रारंभ करके एक हफ्ते तक करते हैं, इसका उद्देश्य है कि वन्य प्राणियों के साथ, प्रकृति और इस चराचर जगत के साथ हम को एग्जिस्टेंस से किस प्रकार से रह सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने का विषय है। लगातार विकास और प्रगति के दौर में कई हमारे पक्षी और जीव एंडेंजर्ड हो गए हैं, उनको बचाए रखने के लिए हम लगातार कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस देश ने टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे किए हैं। टाइगर कंजर्वेशन के साथ प्रोजेक्ट लायन और हाल ही में प्रोजेक्ट चीता भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आगे बढ़ाया है। अलग अलग राज्य के वन विभागों और वन्य जीव संस्थानों द्वारा वन्य जीव सप्ताह समारोह पर आधारित एक वीडियो फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय लघु फिल्म प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और हैकाथॉन कार्यक्रम के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही वन्य जीव संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे आम नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के 3 विद्यार्थी भी रहे, जिन्होंने मानव वन्य जीव संघर्ष से बचाव के लिए एक ऐप विकसित किया है। हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के स्टूडेंट हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया है वन्य जीव सप्ताह के तहत, तो इनसे बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अदिति अग्रवाल और मैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल से आई हुई हूँ। ये मेरे टीम मेंबर्स। मेरा नाम है वैरियन क्रास्टो। मेरा नाम है दिव्या सोलंके। तो आज आपको क्या सम्मान दिया गया है और ये जिस प्रतियोगिता में आपको सम्मानित किया गया है उसके बारे में बताइए। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा था, जिसमें एक कॉन्टेस्ट था वाइल्ड लाइफ हैकेथॉन, जिसके अंतर्गत हम सबको प्राइज मिला है। वैरियन बताएगा कि हमने एग्जैक्टली किया क्या था। तो ये वाइल्ड लाइफ वीक में हमको एक ऐप या फिर एक प्रेजेंटेशन बनाने बोला था कि जिससे कि कम्युनिटी, अपना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सब और डिपार्टमेंट एक साथ कैसे आ सकते हैं। तो वो ऐप हमने उसकी डिज़ाइन और ऐप फ्लो बनाया था, और ज़्यादा जानकारी दिव्या इसके बारे में दे देगी। जो हमने ऐप बनाया था उस पर हमने मेनली फोकस किया था 3 एंटिटीज़ पे। सबसे पहले कि कम्युनिटी, जिनको ऐप हमने सिंपल रखा था जो कि कम्युनिटीज़ को अच्छे से समझ में आ जाए, और कम्युनिटीज़ एक वहाँ पे अगर कहीं पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कम्युनिटीज़ फ़ोटो निकाल के उस ऐप पे डाल सकते हैं, सो दैट नोटिफिकेशन जाएगा वहाँ के अथॉरिटी को और अथॉरिटी वहाँ पे रीच कर सकती है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार का एक अनोखा प्रयास प्रोजेक्ट चीता है। अफ्रीकी चीतों को जब भारत में लाया गया तो दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी थी। प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था कई सालों पहले। उसका सोच ये थी कि प्रोजेक्ट चीता जब हम शुरू करेंगे तो वो जो ड्राई ग्रासलैंड हैं और सवाना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक मुहिम शुरू की थी, और हमारे प्रधानमंत्री इसमें साथ जुड़े। मैं, हमारे साथी डॉक्टर झाला और मिनिस्ट्री से, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सब जुड़ के, और राजस्थान। तो आइडिया ये था कि हम जो
ड्राई ग्रासलैंड्स हैं और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है हम उसको बचा सकें। तो चीता दो देशों से लाए गए, जैसा आप जानते हैं, एक साउथ अफ्रीका से, दूसरा नामीबिया से। और उन वो चीता बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। ये शुरुआती दौर है और ये दुनिया में पहला ऐसा कार्यक्रम है जहाँ एक बहुत दूर दूसरे कॉन्टिनेंट से इस जगह चीता लाए गए। तो हमारा ये मानना है चीता की जो कहानी है अभी वो तो शुरू हुई है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तकरीबन 12 बच्चे हैं, 3 मादाओं ने जन्म दिया है बच्चों को, वो बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मेरा ये मानना है चीता प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी चीता को स्टैब्लिश करना है। वन्य जीव सप्ताह के तहत बाघ, शेर, हाथी से लेकर चिड़ियों, मछलियों, जलीय जीवों के संरक्षण से जुड़े विशेष प्रयासों के बारे में बताया गया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 15, 2020 को डिक्लेयर किया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसके दौरान एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे पहले तो हमें संख्या भी पता नहीं है कि डॉल्फिन के हमारे कितने इंडिविजुअल्स है हमारे देश में, बिकॉज हमारे जो गंगे डॉल्फिन हैं वो पूरे गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदी में पाए जाते हैं। तो बट वी डोंट हैव एनी आइडिया कि कितने मतलब हाउ मेनी स्पीशीज, हाउ मेनी आर देयर एंड कहाँ कहाँ पे अभी है कि नहीं और उसके थ्रेट्स क्या है। तो मिनिस्ट्री ने पहले एक डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनवाई जिसमें पहले साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉल्फिन एक्सपर्ट्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड है उनको कंसल्ट करके कि डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ाने के लिए, और क्योंकि वो एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है, मतलब अगर जहाँ पे डॉल्फिन्स अच्छा खासा मिलता है हमें दैट मीन्स दैट वाटर क्वालिटी भी अच्छा है और देर इज़ गुड फिश पॉपुलेशन। सो नॉट ओनली बायोडाइवर्सिटी के लिए बट लोगों की कम्युनिटीज़ जो डिपेंडेंट है एक्वाटिक हैबिटेट्स में, हम सब डिपेंडेंट है रिवर्स पे, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले तो मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि वॉट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, तो उस हिसाब से 9 मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके एक डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनाया है। इन दैट द फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने लिया है वो है टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द स्टेटस ऑफ डॉल्फिन इन इंडिया। तो उसके लिए 8,000 किलोमीटर्स का बोट सर्वे मिनिस्ट्री के थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NGOs एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक्चुअल बोट सर्वे किया है। सो नाउ प्रधानमंत्री जी के पास है वो रिपोर्ट अभी रिलीज़ होने के लिए। तो अभी नाउ वी नो कि डॉल्फिन्स कहाँ हैं, कितने मात्रा में हैं और उनके थ्रेट्स क्या है। वन्य जीव सप्ताह में वन्य जीव संरक्षण में आम नागरिकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि वनों, पर्वतों, नदियों के साथ रहने वाले लोग ही इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं और इसको संरक्षित कर सकते हैं। तो गंगा की जल जीवों बचाना, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगर इन लोग की बचाव की, इनकी सुरक्षा में हम लोग काम करते हैं। हम लोगों को इसमें कई साल हो गए करते हुए, आगे ऐसे ही चल रहा है। हमारा कछुआ सेंटर भी चल रहा है नरोरा में, उसको भी देखना पड़ता है। रेस्क्यू सेंटर जैसे कि घड़ियाल और ये सब पकड़ के लाते हैं, वन विभाग के साथ मिल के इनको छोड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं। हमारा काम है गंगा जी पे देख रेख करना, जैसे हमारे यहाँ जलीय जीव गंगा जी में रहते हैं तो उनको बचाना, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं गंगा जी को मतलब कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसमें, समझते हैं कि ये गंदगी इसे लेके आए, घर में सामग्री जो भी है उसमें लेके आते हैं पॉलीथीन वगैरह में, तो उसे गंगा में डाल जाते हैं। तो उन्हें हम समझाते हैं कि गंगा जी में जलीय जीव रहते हैं कि उनको तुम गंगा जी को गंदगी करोगे तो उनको हानि हो सकती है। तो इसी प्रकार से हम बताते हुए उनसे कहते हैं कि इसमें जलीय जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि उनमें जैसे पॉलीथीन और जैसे तुम डालते हो तो उनके जैसे फेफड़े वगैरह होते हैं उनमें फंस जाते हैं, तो उनमें फंसने के बाद में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं गंगा पैरी हूं और हम गंगा पैरी, मेरे साथ और भी हैं गंगा पैरी, हम गंगा पैरी अवेयरनेस का काम करते हैं। जो गंगा के किनारे यात्री आते हैं उन्हें सब जागरूक करते हैं कि इसमें गंगा के जलीय जीव हैं, इन जीवों का क्या क्या जीवन, हमारे महत्व में क्या क्या जीवन है इनका, और इन्हें नुकसान हमारी वजह से कितना हो रहा है, ये सब उन्हें समझाते हैं। इसलिए आजकल बढ़ते प्रदूषण और कचरा के कारण इनकी जनसंख्या कम हो रही थी पिछले कुछ सालों से, लेकिन इसी पे ज़्यादा ध्यान देते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण में ज्ञान के साथ साथ तकनीक का भी अहम योगदान है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक से जुड़ी दूरबीन, घने जंगलों में वन्य जीवों की आवाजाही की तस्वीरें लेने वाले कैमरा ट्रैप से लेकर GPS युक्त रेडियो कॉलर, हूटर जैसे कई यंत्र हैं जो जंगल में जानवरों की निगरानी, गणना और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। WII परिसर में इन यंत्रों को प्रदर्शित किया गया। हाथियों की आवाजाही की निगरानी के लिए देश में बना रेडियो कॉलर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हम लोग WII के साथ पिछले 20 साल से एज टेक्नोलॉजी पार्टनर एसोसिएटेड हैं। मतलब जितना भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, जितना भी यूज़ में आ रहा है जानवरों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उसके हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं। पहले जब हम बायनोक्युलर से देखते थे तो हमें सिर्फ व्यू होता था कि ये पक्षी है, ये एनिमल है। लेकिन इस बायनोक्युलर की मदद से, जिसमें कैमरा भी फिटेड है, आज हम जिस भी पक्षी को देखेंगे उसका नाम और इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि ये स्पीशीज़ का पक्षी है, जैसे वल्चर है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या किसी तरह की भी प्रजाति। ये कैमरा ट्रैप पिछले 20 साल से टाइगर सेंसस में, जितना भी हमारा हिंदुस्तान में टाइगर की गिनती हुई, शेरों की, एलिफेंट्स की और भी प्रजातियों की, वो इन्हीं कैमरा से हो रही है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इन्फ्रारेड मोशन सेंसर है। जैसे ही कोई जानवर सामने से क्रॉस करता है तो ये कैमरा पिक्चर क्लिक कर देता है। ये ऑल वेदर कैमरा है, इसमें कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है। इसमें बैटरीज डलती हैं जो कि 6-6 महीने काम करती हैं। ये एनिमल्स की ट्रैकिंग में यूज़ होता है, मतलब एनिमल की, ये एलिफेंट का कॉलर है, हाथी का, ये पहना दिया जाता है हाथी को और आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे ही हाथी अगर किसी गांव में या किसी शहर में, एरिया में आ रहा है जहाँ पर आबादी है, तो आप इमीडिएटली इसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है। वन्य जीवों को जानने, प्रकृति में इनकी अहमियत को समझने और लोगों को इनके प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से देहरादून की उत्तरा आर्ट गैलरी में एक अनोखी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। डाक टिकटों, पोस्टकार्ड्स और तस्वीरों के संग्रह को फिलैटली एवं रैप्टर फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। टिकटों और पोस्टकार्ड्स के जरिए वन्य जीवों की ये दुनिया बेहद रोमांचित करने वाली थी। इस एग्जीबिशन में 3 सेगमेंट्स हैं: पिक्चर पोस्टकार्ड्स, फर्स्ट डे कवर्स एंड स्पेशल कवर्स और स्टैम्प्स, और एक चौथा एस्पेक्ट है जिसमें स्पेशल पिक्टोरियल कैंसिलेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ जितने भी आइटम्स डिस्प्ले की गई हैं सभी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं। तो आज हम आपको इस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। पहला सेगमेंट है हमारा ये पिक्चर पोस्टकार्ड्स का। जितने भी पिक्चर पोस्टकार्ड्स हैं ये सभी पोस्टल डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किए हैं, इंडिया पोस्ट ने। और यूजुअली जैसे हम किसी को पोस्टकार्ड भेजते हैं, एक ऑर्डिनरी सा पोस्टकार्ड, बहुत सस्ता 50 पैसे का पोस्टकार्ड आता है, लेकिन ये पिक्चर पोस्टकार्ड हैं। पिक्चर पोस्टकार्ड में आप किसी भी तरह के पिक्चर्स को सेंड करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पिक्चर पोस्टकार्ड को डिस्प्ले किया गया है। और इनमें एक स्पेशल सेगमेंट है जिसको हम AR टेक्नोलॉजी का पिक्चर पोस्टकार्ड्स बोल रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ और फिलैटली तीनों का सम्मिश्रण है। और ये सांपों पर आधारित 10 पिक्चर पोस्टकार्ड यहाँ डिस्प्लेड हैं जिनको AR टेक्नोलॉजी कहा जाता है। AI आप सब लोगों ने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में जो सांप के पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें एक ऐप के थ्रू, आप अगर अपने मोबाइल से इसको देखेंगे तो मैप, इस ऐप के थ्रू आपको ये सांप चलते हुए दिखेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसका नाम क्या है, वो वेनमस है, नॉन वेनमस है, क्या खाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यूजुअली पिक्चर अपने आप में नहीं बता पाती, तो ऐप के थ्रू हम आपको वो दिखाते हैं। ये टिकटें और पोस्टकार्ड सिर्फ शौक ही नहीं है बल्कि जैव विविधता के अनूठे संसार का प्रतीक है। इनके माध्यम से वन्य जीव प्रेमी दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। 7 समंदर पार से कोई उन्हें चिट्ठी भेज सकता है जिस पर उनके देश के पशु, पक्षी या अन्य प्रतीक की मुहर लगी होगी।
बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए ये एग्ज़िबिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अभी तक मतलब जो रिस्पांस देखा ऑडियंस का यहाँ पे, तो लोगों ने स्टैम्प्स और जो पिक्टोरियल कैंसिलेशंस हैं उनको देख करके बहुत ही अच्छा एंथुसियाज्म शो किया है। बेसिकली क्या है, स्टैम्प को देख के ही उससे आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाती है। अगर हम इधर देख रहे हैं तो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे स्टैम्प है, स्पेशल कवर है जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे पे रिलीज़ किए गए थे। तो इससे अपने आप में एक जागरूकता उत्पन्न हो रही है जी। और बच्चों के लिए सिंस एक ये पिक्टोरियल एग्जिबिशन है, बच्चों को देख करके और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है और उसके थ्रू वो कंजर्वेशन की तरफ बढ़ जाते हैं कि हाँ ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इनके बिना हमारा एक जो लाइफ बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। इस प्रदर्शनी का एक खास आकर्षण शिकारी पक्षियों का संसार भी है। सफाई कर्मी कहे जाने वाले गिद्ध, चील और उल्लू जैसी कई प्रजातियां प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इस प्रदर्शनी में हमने कुछ हिमालयन फुटहिल्स में पाई जाने वाली जो रैप्टर्स हैं, जो शिकारी पक्षी हैं, उनको डिस्प्ले किया है और आसानी से समझ में आए इस वजह से हमने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। और कोशिश है कि हम अवेयर करें लोगों को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे आ पाएँ यहाँ, उन्हें अवेयर करने का हमारा ये मोटिव है इस एग्ज़िबिशन के थ्रू। काफ़ी हद तक ये जो वल्चर्स हैं, जो रैप्टर्स की एक कैटेगरी आती है वल्चर्स, जिसमें वल्चर्स हैं, काइट्स आती हैं, आउल्स आते हैं, मतलब ना सिर्फ गिद्ध या हमें लगता है कि रैप्टर्स हैं, शिकारी पक्षी है तो सिर्फ गिद्ध या काइट्स ही उसमें आएंगे। सो लेकिन उसमें उल्लुओं से लेकर ये फैल्कन्स, जो छोटे सबसे छोटे रैप्टर्स होते हैं, वो भी उसमें आते हैं और उनका भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे इकोसिस्टम में रोल है जितना कि बड़े वल्चर्स का है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ वल्चर्स की, तो वल्नरेबल से लेकर क्रिटिकली इंडेंजर्ड तक कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे कि रेड हेडेड वल्चर है जो कि हमारे पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्लोबली काफ़ी कम इनका पॉपुलेशन अभी बचा है। और वल्नरेबल कैटेगरी में बात की जाए तो हमारे पास इजिप्शियन वल्चर वगैरह हैं और पलासिस फिश ईगल हैं, जो काफ़ी कम संख्या में अभी हमें देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा थ्रेट की अगर मैं बात करूं, तो थ्रेट में सबसे ज़्यादा जो नंबर, इनका जो रैपिड डिक्लाइन हुआ है वो डिक्लोफिनेक के यूज़ की वजह से हुआ है। जब हम जानवर कोई बीमार पड़ जाया करता था तो हम डिक्लोफिनेक हर दवाई में वो कहीं ना कहीं मौजूद होता था, थोड़े से अमाउंट में भी। तो जब वो जानवर के मर जाने के बाद जब ये उस पर फीड करते थे तो इनकी उसके कारण काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इनकी डेथ्स होने लगी, जिसकी वजह से इनका नंबर काफ़ी कम हो गया है। और आज की डेट में हम बात करते हैं चिड़ियों की, लेकिन फॉरेस्ट में जाते हैं हम खुश होते हैं कि कलरफुल चिड़िया हमें देखने मिल रही है, लेकिन रैप्टर्स की जब हम बात करते हैं थोड़े से डल कलर के होते हैं, थोड़ा नेगेटिव एक इम्पैक्ट देते हैं कि यहाँ पर रैप्टर्स हैं, नहीं अच्छा लगता है। लेकिन इन एक क्लीनिंग का प्रोसेस, जो एनवायरनमेंट में क्लीनिंग करते हैं ये पक्षी, और इनके कॉन्जर्वेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। इनकी मौजूदगी क्या है कि जंगल में देख रहे हैं तो इनको नेगलेक्ट ना करें, देखें क्या स्पीशीज़ है क्या है, तो उसकी वजह से काफ़ी इनकी कॉन्जर्वेशन में हेल्प हो सकती है। सबसे पहले तो ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ देर आर सो मैनी मीथ्स जो भ्रांतियाँ कहते हैं थ्रू लोकल कल्चर, लोकल फोकलोर के साथ साथ अ लॉट ऑफ भ्रांतियाँ, अ लॉट ऑफ मीथ्स आर होल्ड, पीपल होल्ड अ लॉट ऑफ मीथ्स अबाउट वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो। वो केवल पब्लिक ही नहीं, हमारा स्टाफ में भी होता है। और हम जब भी अवेयरनेस के लिए बात करते तो सबसे पहले हम अपने स्टाफ को भी अवेयर करना शुरू करें और उनको तैयार करें हाउ टू मीट पीपल। आज के दिन में इफ़ यू सी द पेपर्स, अगर कोई भी न्यूज़पेपर उठा ले, उत्तराखंड एडिशन, देहरादून एडिशन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे इट कुड बी ह्यूमन डेथ हो सकता है, ह्यूमन इंजुरीज हो सकता है,
elephants coming to जैसे हरिद्वार टाउन में आ गया. इट कुड बी डिस्ट्रक्शन टू हैबिट एग्रीकल्चरल फील्ड्स. सो अ लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर और दैट डिपार्टमेंट टेक्स इनिशिएटिव टू क्रिएट अवेयरनेस, जाके लोगों के साथ बात करना अबाउट एनिमल्स और ऐसा क्या क्या एक्टिविटीज़. समटाइम्स हमारे जो सोसाइटी है, आवर विलेजेस, हम जिस तरीके से जी रहे हैं, समटाइम्स वी क्रिएट सच कंडीशंस कि हम एनिमल्स के एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है. वन्य जीव सप्ताह बाघ हाथी जैसे बड़े वन्य जीवों से लेकर तितली पतंगे मछलियों सर्पों तक प्रकृति में हर प्राणी के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने और जन जागरूकता के उद्देश्य से मनाया जाता है. धरती और लोगों के बेहतर भविष्य के लिए धरती पर वन और वन्य जीवों की मौजूदगी, उनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास और जीवन जीने का उनका अधिकार भी बेहद जरूरी है. वन और वन्य जीव हमारे बेहतर जीवन, हमारी सेहत, हमारी आजीविका और समूचे पर्यावरण से जुड़े हैं. इनका होना हमारे जीवन में खुशहाली का प्रतीक है. इसलिए वन्य जीव संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है.